यहाँ जो यमदूत बता रहे हैं कि जो भगवान अजन, यमराज को भगवान और अजन्मा बोल रहे हैं, तो यमदूतों की इतनी ही जानकारी है कि यही भगवान है, इनसे ऊपर कोई नहीं है, ये जन्मा है। तो प्रभु जी ने तो ज़्यादा जानकारी दे दी, यमदूतों को इतनी जानकारी नहीं है कि किसके पुत्र हैं, इनके भाई हैं, इनके बहन हैं, इनकी माता हैं, ये सब वो नहीं जानते। यमदूत ने क्या कहा था, शुरू में कहा था वेद प्रणीतो धर्म, धर्म जो है वेदों के द्वारा पता चलता है, और जो वेद हैं नारायण साक्षात, साक्षात नारायण, वेदों को किसी ने बनाए नहीं, स्वयंभू रीति सूत्रों में हमने सुना है कि वेद स्वयं ही जो है मतलब उत्पन्न हुए हैं, वेदों को उत्पन्न करने वाला भी कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है वेदों के ऊपर जो कि पर्सनालिटी हो, कोई पर्सन कोई व्यक्ति हो, तो वेद जो है। और जो हमारे यमराज हैं तो वो जो है वेदों के अनुसार जो है दंड देते हैं और पुरस्कार देते हैं, वेदों के अनुसार दंड देते पुरस्कार देते हैं। और हमारे जो स्वामी यमराज हैं वो भी अजन्मा है, वो भी भगवान है और कोई नहीं। और जो विष्णुदूत, विष्णुदूतों को क्या, आप लोग कौन हैं, आप लोग किसके द्वारा भेजे गए हैं, तो ना तो विष्णुदूतों को जानते हैं ना भगवान को जानते हैं, केवल वेदों को जानते हैं। जो वेद हैं, वेदवाणी है, वो सत्य है, लेकिन उसका जो है कोई उत्पन्न करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं कि वेदों को किसी ने बोला हो, कोई व्यक्ति नहीं है। और जो हमारे यमराज स्वामी हैं, धर्मराज स्वामी हैं, तो वो जो है वेदों के अनुसार जो है करते हैं, निर्णय करते हैं, और वो जो है भगवान अजन्मा है। तो इतने जानते हैं, यमराज के ऊपर कोई है वो नहीं जानते है ना। तो इस तरह से वो मतलब कह रहे अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवान जा, तो अपने मन के द्वारा, तो यमराज को भी कोई शिक्षा देने वाला नहीं, यमराज का कोई भी गुरु नहीं है, कोई गुरु परंपरा, कोई शिष्य परंपरा कुछ भी नहीं है, इतना ही वो लोग जानते हैं ना। अच्छा, अब जो प्रभु जी ने मंडूक ऋषि की बात बताई, तो वह मांडव्य ऋषि, लेकिन कहीं कहीं प्रभुपाद ने मंडूक लिख दिया है, वैसे मांडव्य ऋषि। तो मैं कथा सुना देता हूँ महाभारत के अनुसार क्या है, तो थोड़ा और जागृति हो जाएगी कि मांडव ऋषि जो है तपस्या करते थे अपने आश्रम में, और उस स्थान का जो राजा था उसे राजमहल में रोज़ चोरी होती थी। तो राजमहल में रोज़ चोरी होती है तो बड़ी निंदा की बात, राजा के महल में ही चोरी हो रही रोज़ और चोर नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो राजा ने जो है अब इस बार कह दिया कि इस रात में जो चोर अगर नहीं पकड़े गए तो तुम लोगों को ही मैं दंड दूंगा, हैं, तुमको ही मृत्यु दंड दूंगा। तो राजा के जो थे सेवक थे, कर्मचारी थे, उनको ही मृत्यु दंड मिलना था अगर चोर नहीं पकड़े गए। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब चोर आया और चोर जो है चोरी करके भागा, तो ये लोग जो है पीछे पीछे भागे, तो मांडव्य मुनि के आश्रम में वो चोर जो है सामान, चोरी का सामान रख करके और भागे अपनी जान बचा करके। और जो राजा के कर्मचारी थे उन्होंने सामान देखा इनके कुटिया में रखा हुआ है, तो उन्होंने जो है सोचा कि भाई अब अगर पूछताछ करेंगे तो फिर चोर नहीं पकड़ा जाएगा, अच्छा यही है कि हम जो है इनको ही मतलब मान लें कि यही चोर हैं। और राजा को जो है सूचना दी, तो आधी रात में सूचना दी राजा को, राजा बहुत नींद में पड़े थे, तो उन्होंने भी समझा नहीं कुछ भी, ठीक है सूली पर चढ़ा दो, तो सूली पर जो है चढ़ाया, तो सूली जो है ज़मीन के नीचे से वो जो है निकलती है, बहुत बड़ा किला जैसा होता है, और जो है मल द्वार से जो है ऊपर तक आता है, तो व्यक्ति मर जाता है। तो मांडव्य मुनि को जो है बैठाया सूली पर, और सूली जो है नीचे से और सिर तक आ गई, और वो जो है ज़मीन से ऊपर भी उठ गए, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। अब 3 दिन हो गए उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो जो है फिर जो राजकर्मचारी उन्होंने कहा कि वो चोर जो है उसकी मृत्यु नहीं हो रही है। तो राजा ने पूछा, पूछताछ की, कौन है चोर, अरे ये तो मुनि है। ओहो मुनि है, इतने बड़े मुनि हैं, उनको तुमने सूली दंड सूली पर चढ़ा दिया। तो बोले आपने, आपसे पूछा था आपने कह दिया। तो बोले मैं तो नींद में था, तो मुनि के पास आए कि आप क्षमा करो हमें, और जो है बहुत बड़ी गलती हो गई। मुनि बोले कि नहीं नहीं क्षमा की कोई बात नहीं है, और यहाँ कोई गलती भी नहीं होगी, गलती किसकी है उसको मैं उसके पास जाता हूँ, गलती किसकी उसके पास मैं जाता हूँ। तो यमराज के पास गए और वहाँ जो है मतलब मृत्यु नहीं हुई उनकी,
यमराज के पास, इतनी तपस्या की शक्ति थी, यमराज के पास गए हैं तो यमराज ने स्वागत किया, आइए बैठिए महाराज। बोले बैठना कुछ नहीं है, प्रश्न का जवाब दो। ये जो मुझे सूली पर चढ़ाया गया ये कौन से कर्म का दंड था मुझे? तो चित्रगुप्त को बुलाया कि देखो इनके महाराज का जो है खाता, तो देखा तो बताया कि आपने एक कीड़े का जो है पेट में जो है आपने जस्ट कांटा आर पार कर दिया था, तो उस कारण से जो है ये आपको दंड मिला है। तो बोले कि ये जो है मतलब गलत है, क्योंकि अबोध अवस्था थी मेरी, बचपन की अवस्था थी, और उस समय जो है जो किया तो इसका इतना बड़ा दंड मिला। तो फिर मैं आपको साफ देता हूँ, आप 100 जन्म तक शूद्र बनिए, शूद्र कुल में नहीं, शूद्र कुल में नहीं जन्म लेंगे, शूद्र बनिए। तो दासी के पुत्र थे लेकिन वेद व्यास जी ने उत्पन्न किया था, तो छत्ता कहलाते हैं। ब्राह्मण पिता हो और जो है माता जो है अगर शूद्र हो तो छत्ता कहलाते हैं। तो आप शूद्र बनिए, 100 जन्म वर्षों तक आप शूद्र बनिए, है ना। और कहा कि आपसे मैंने ये नियम मैं बनाता हूँ कि 14 साल की अवस्था तक ये जो है किसी भी बच्चे को ऐसे जो होते हैं कर्म तो वो जो है नहीं, उसको उसका कर्म नहीं बनेगा। लेकिन 14 साल की अवस्था उन्होंने जब बोली थी तो दूसरा जो था, अभी 14 साल में बहुत चेतना विकसित हो जाती है, तो पहले 14 साल में इतनी चेतना विकसित नहीं होती थी, लंबी आयु भी होती थी। तो जो भी हो तो हम ऐसे नहीं कह सकते 14 साल की अवस्था तक आप जो कुछ चाहो करो, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है। और दूसरी बात है कि जो धर्म की जो 10 पत्नियाँ थीं, वो धर्म देवता जो है वो अलग हैं, जो कि ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुए, धर्मा स्तन तो अधर्म पीठ से उत्पन्न हुआ और धर्म जो है उनके स्तन से उत्पन्न हुआ। तो धर्म से दक्ष की 10 कन्याओं का विवाह हुआ था, 16 कन्याओं में 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ था, और नरनारायण का जन्म हुआ, वो धर्म देवता, तो धर्म अलग हैं। और ये 7वें मन्वंतर में जो सूर्य देवता विवस्वान हैं, तो उनकी जो पत्नी है तो उनसे जो है यमराज उत्पन्न हुए, तो इनका जो है विवाह है और इनका जो परिवार है वो अलग है, है ना। तो वो धर्म देवता जो है वो दक्ष की पुत्रियों के जो पति हैं वो अलग हैं, और ये यमराज, तो इनको धर्मराज कहा जाता है, धर्मराज। अब 7वें मन्वंतर में है, क्योंकि मन्वंतर में सब देवता बदलते हैं हर मन्वंतर में, तो 7वें मन्वंतर में जो है इनको इनका जो है ये कार्य है जो सूर्य के पुत्र हैं, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। और वैसे यह दशराज प्रभु का बड़ा अच्छा प्रवचन रहा, बड़ा रोचक प्रवचन रहा। हरे कृष्ण।